कि हिंदुस्तान ने जो है उसको एनेक्स कर लिया। बाद में फिर पाकिस्तान ने भी गिलगित को शामिल कर लिया। यानी दोनों ने खिलाफ वर्जी की यूनियन रेजोल्यूशन की। 1957 की करारदाद बिल्कुल वाजे है, पाकिस्तान और इंडिया सिग्नेटरी हैं जंगबंदी के और प्लेबिसिट के। पहले जंगबंद की दोनों ममालिक ने, और उसके बाद जो है वो प्लेबिसिट पर दोनों जो है उस पर मुतफिक हैं, सिग्नेटरी हैं, ये दोनों यूएन के मेंबर हैं, ये दोनों यूएन के मेंबर हैं, दोनों ने सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को तय किया और वक्तन फ़क्तन दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। हिंदुस्तान आज हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, पहले पाकिस्तान भी था। तो इसलिए यह दोनों पर लाजम है, ये नहीं है कि एक पर है तो दूसरे पर नहीं है। जो 57 की जो करारदाद थी, जब इसने, मैं बारहा कहता हूँ, जब ये इसने मकबूजा कश्मीर की असम्बली ने करारदाद की थी, तो पाकिस्तान खुद गया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया नहीं गया था, पाकिस्तान गया था। 48 में तो इंडिया गया था, तो 57 में पाकिस्तान गया था कि जी ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने लिखा कि ये राजकुमारी का निम्बल बदल नहीं है ये। तो हम ये कहते हैं कि ख्वाब उसको सुबह बनाए, अपना ये इसको गिलगित बल्तिस्तान को इसका इस तरह बन, इसको आर्टिकल 1 में तब्दीली किए बगैर आप जीबी के मेंबरान को ना नेशनल असम्बली में बैठा सकते, ना आप उनको सेनेट में बैठा सकते। जिस आर्टिकल का वो हवाला देते हैं वो है जो ऑलरेडी जो पाकिस्तान के सूबे हैं उनकी तकसीम है उसके अंदर, कि जी ये फलां सूबे कितने होंगे, फलां सूबे, वो तकसीम है उनकी। तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि पाकिस्तान की टेरिटरीज कौन सी हैं। तो जीबी या आजाद कश्मीर पाकिस्तान की टेरिटरीज में डिफाइन नहीं है ये। तो इसलिए हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई नया हल अगर उसको तलाश करके लें, ये कश्मीर को काबिल कबूल नहीं है ये, और हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ये इख्तियार सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को है, और जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी, इंडिया सिग्नेटरी है, कि इनको आजादाना राजशुमारी के जरिए हक दिया जाएगा कि अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। ये इसे हटकर कोई भी फैसला अगर हम पर थोपा गया तो कश्मीरी दोनों तरफ से इसको रिजेक्ट करेंगे। इसको बिल्कुल इट शुड बी लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी, दरिया जलम से अक्रास जो लोग बैठे हुए, ये नहीं होगा ये।